आम आदमी पार्टी के वलों जलंधर जिमनी चोण के पूरी ताकत चोक दी गई है तो वक् वक् एम एल एज़ मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई ने लोगों तक पहुँच बनाने के लिए। साडे नाल सादा गलबात दिल्ली मलेरकोटला तो एम एल ए डॉक्टर मुहम्मद जमील और रहमान साडा मौजूद ने। तो सब तो पहले तो ये जानना चाहवांगे जिस तरीके कैंपेनिंग किस तरीके चल रही है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की कंपेनिंग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके बड़ी सरगर्मी दे नाल चल रही है और साढ़े जमीनी पद्धर से जो साढ़े वॉलंटियर्स हैं साढ़े ब्लॉकों के इंचार्जिज हैं साढ़े सर्कलों के प्रधान हैं और उस तो अलावा साड़ी जी लीडरशिप है वो सारे एक प्लैंड वे नाल सिस्टमैटिक ढंग नाल असीं प्लैनिंग कंपेनिंग जी कर रहे हैं। शहरों के काफ़ी फोकस हो रहा है पर जो देहाती इलाके के लोग ने थोड़ी जिन्हों की यही शिकायत है कि पिंड हले भी पार्टी के वालों पहुँच नहीं की जा रही। नहीं इदा की कोई गल नहीं है पिंड भी साढ़े जोड़े यूनिट्स हैं बड़े सरगर्म हैं पिंड भी बड़ी सरगर्मी के नाल सा चोन प्रचार जोड़ा है वो चल रहा है। काफ़ी अच्छी जो पॉलिसीज़ है आम लोगों के लिए भी बड़े अच्छे डिसीजनस लिते गए पर हले भी कुछ क डिसीजनस या कुछ जो प्रोमिसज है उन्होंने लैके थोड़ी जो लोगों के निराशा उसनों कह सकते हैं थोड़ा जहा डिसअपॉइंटमेंट तो है उसमें लैके कहोगे। नहीं लोगों के डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं है निराशा कोई नहीं है अजे आम आदमी पार्टी की सरकार नू सिर्फ एक साल होया है। इस तो पहला कांग्रेस दियां या अकाली दल बीजेपी दियां सरकारां जिहड़ियां पंजाब च बनदियां रहियां वो तो चार साल सुत्तियां रहिंदियां सी आखिरी साल जाके कुछ लोगों के काम करते सीगे लोगों लोग लुभावियां नीतियां अपनाउंदे सी ताकि लोगों दियां फिर दोबारा वोटां लैके दोबारा फिर पाँच साल लई सत्ता प्राप्त करके लोगों नू फिर लुटीए सरकारी खजाने लुटीए लोगों को कुटीए लोगों बेइंसाफी होंदी रही धोखे होंदे रहे वादा खिलाफियां होंदी रही। पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जदों मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब ने सहुं चुकन तो बाद पहले दिन तो ही लोक पक्षी नीतियां लागू करनिया शुरू कीतियां और अज तक निरंतर सरकार जी है वो दिन रात लोक पक्षी काम जी है करती आ रही है और जिदा पंजाब दे लोकां विच पंजाब दे हर वर्ग दे लोकां विच बड़ा वधिया प्रभाव है लोग खुश हैं। जिस तरीके ना विधानसभा चोण हुई जो चोणां होईआं ते वड्डी लीड मिली आम आदमी पार्टी नूं हालांकि संगरूर जिमनी चोण दे विच ज़्यादा चंगा जो है प्रदर्शन नहीं कर पाई पर इस इलैक्शन नूं क्योंकि लोक सभा चोणां नूं भी थोड़ा समा रह गया सैमीफाइनल इस नूं मानदे हो ते दूसरा किस पार्टी दे नाल तुसीं आप दा जिहड़ा कॉम्पीटिशन मानदे हो। आम आदमी पार्टी दा इलेक्शन जड़ा क्लैरिफिकेशन जी है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अपने बलबूते ते इलेक्शन लड़ती है और साडा काम है कि मेहनत करके लोगों तक असी सरकार दियां जड़ियां सरकार पक्षी पॉलिसियां वो लोगों नूं दसांगे और अगे नूं जिहड़ा साडे पास चार सालां दा होर समय उहदे च असी लोगों लई की करना है वो भी सारा असी लोगों के सामने रखना है। मैं समझदा हाँ कि लोगों का सानू बहुत हाँ पक्की हुंगारा मिल रहा है लोग खुश हैं असी महला क्लीनिक दिते हैं तो बेरोज़गार नौजवानों नौकरियां दिती हैं और जेडे कच्चे मुलाजिम से उन्होंने असी पक्के किए हेल्थ सर्विसेज असी ठीक कर रहे हैं स्कूलों की हालत असी मतलब सुधार रहे हैं स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बनाने जा रहे हैं तो ये सारिया चीज़ा जड़िया हैं ये लोग हित दियां लोग पक्षी हैं और लोग खुश हैं। असी जो इंडस्ट्रियलिस्टां लई पॉलिसीज़ बनाईयां हैं जो असी किसानां लई पॉलिसीज़ बनाईयां हैं वो भी उन्हां लई बहुत ही लाहेवंद फायदेमंद। एक साल का कमकाज लैके सरकार हुण चोण मैदान दे विच उतर रही है तुहानूं लगता है कि यह प्रीख्या का समय है क्योंकि जे तो मोहर लग गई तो मतलब काम परवान चढ़ा लिया लोगों ने उसनों मान लिया पर जेकर इस दे विच कुछ अजिहा रिजल्ट जो मनचाहा ना आया तो की लगता है कि तुहानूं उसका असर लोक सभा चुनाव पर भी पै सकता है। देखो जदों लोग खुश हैं और एक साल जिहड़ा कामकाज है आम आदमी पार्टी की सरकार का वो लोक पक्षी है समाज के सारे वर्गों के लोग सरकार के कामों तो खुश हैं तो असी समझते हैं कि असी इस जिमनी चुनाव के बिच भारी फर्क दे नाल सीट जितांगे और जितन तो बाद ते असी होर ज़्यादा तकड़े होकर लोगों की होर सेवा करांगे।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ MLA ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਿਤਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਜਲੰਧਰ।